बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि फिनिश ने राष्ट्रीय सुरक्षा से अपने आप को एक संस्था को पैदा किया है कि जहां पर एक कन्वर्जेंस हो सके, इसकी बहुत आवश्यकता थी। ये काम किया जा रहा है, ये बड़े संतोष का विषय है। मैं इंद्रेश जी से पूछ रहा था कि हमारी ऑडियंस में कि क्या अपेक्षा होगी जो यहां पर बोलने के लिए आते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर 60-70% लोग वो हैं जो सुरक्षा या रक्षा से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, जिनका इसके बारे में काफी अनुभव है, ज्ञान है, एक इंसाइट है, और कुछ लोग हैं जो कि समाज से या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और मुझसे कहा गया कि मैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपसे कुछ बोलूं। आमतौर पर जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो या तो हम घटना विशेष की बातें करते हैं या किसी थिएटर विशेष की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, माओइज्म। मैं जरा ऐसा इससे हटकर एक दूसरे रूप में आंतरिक सुरक्षा के बारे में चाहता हूं कि हम लोग सोचें, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, शायद आप लोगों के विचारों से इसमें कोई नई बातें पैदा हों। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 36 राष्ट्र डिग्रेड हुए। डिग्रेडेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसमें या तो उसकी सार्वभौमिकता या उसकी जो सरकार थी या जो पद्धति थी, जो कंस्टिट्यूशन था, वो समाप्त होकर एक नई तरह का राज्य बन गया। तो जो 35 देशों का डिग्रेडेशन हुआ उनमें से 28 का कारण आंतरिक सुरक्षा थी, यानी लगभग 80%। चाहे वो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हों, चाहे इंडोनेशिया से इस टाइमर अलग हुआ हो, अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर में वो हुआ, या सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़ों में बंट गया हो, या नेपाल के अंदर में एक तरह की शासन पद्धति हटकर एक दूसरी तरह की, एक मनारकी, एक हिंदू स्टेट डिग्रेड होकर एक दूसरी तरह की पॉलिटी में चली गई हो, इन सबको हम डिग्रेडेशन ऑफ द स्टेट कहते हैं। नई स्टेट बने, नए वो हों, उसके नए आयाम होते हैं, वो क्या रूप धारण करे वो दूसरी बात है। स्टेट्स डिग्रेड क्यों होती हैं, ये शोध का विषय है। क्या उनमें कोई सामान्यताएं हैं जब उन स्टेट्स का डिग्रेडेशन हुआ? तो कुछ सामान्यताएं उनमें देखने को पाई गई। एक सामान्यता उसमें यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जब तक कंट्री को डिग्रेड नहीं करता, तब तक हमेशा जो लोग सत्ता में होते हैं और साधारण रूप से जो लोग समाज में होते हैं वो उसको हमेशा एक बहुत छोटे स्तर का थ्रेट मानते हैं। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में मैरी एंटोनेट हो, चाहे वो नेपाल का राजा हो, चाहे वो इंडोनेशिया की सरकार थी, उनको ये नहीं लगता था कि किसी दिन वाकई में ये सारे के सारी व्यवस्था को बदल देगा, ये व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि इसको अंडरप्ले किया जाता है। और जब जब समाज के अंदर में इस प्रकार की धारणाएं होती हैं कि शायद ये डेंजर्स बड़े नहीं हैं, इन डेंजर्स पे हम लोग इंटर काबू पा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की क्षमता या कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होती है उस प्रोपोर्शन में। कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का ये है कि जो सभी चीजें आपको शक्तिशाली बनाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वही आपकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। अगर आपके पास में 10,000 रुपए हैं आपकी जेब में, तो कोई आपको 10,000 रुपए से लूट सकता है, 5 रुपए है तो 5 ही रुपए से लूट सकता है। तो हमारा राष्ट्र का बड़ा होना, इसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा होना, 1.2 बिलियन 32 लाख स्क्वायर मीटर के हमारा लैंड एरिया होना, 15,000 किलोमीटर के हमारा लैंड फ्रंटियर, 7,000 किलोमीटर के हमारा कोस्टल बॉर्डर, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब हमारे राष्ट्र की संपत्तियां हैं, हमारी राष्ट्र की मजबूतियां हैं। लेकिन यदि इनकी रक्षा न की जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेसेस भी हैं। दूसरा फैक्टर
जो कि योगेंद्र नारायण जी ने काफी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया, वो है नेबरहुड फैक्टर, कि हम उन चीजों से घिरे हुए हैं जो कि अनफ्रेंडली हैं। हमारे 15,000 किलोमीटर के जो लैंड बॉर्डर है उसमें सिवाय भूटान के 800 किलोमीटर के हर देश के साथ हमारी एक या किसी दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत अधिक है, चाइना के साथ बहुत अधिक है, सभी जगह जो है लगभग नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या वीक डेमोक्रेसीज है, सभी जगह इंस्टेबिलिटी है। दो हमारे प्रतिद्वंदी राष्ट्र जो है न्यूक्लियर हैं और उनके साथ में लगभग हमारा 8,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। लेकिन एक और बात पैदा हुई है, वो ये हो गया है कि अपने राजनीतिक और सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष युद्ध जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और वो अनअफोर्डेबल हो गए हैं। वॉर एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अचीविंग स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग नॉन इफेक्टिव, और उनको बदला जा रहा है परोक्ष युद्ध के रूप में, जिसे हम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इस फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर में उसका जो टारगेट है वो सिविल सोसाइटी है, जो स्टेट या नेशन जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता है वो सिविल सोसाइटी है, और उसका जो बैटल ग्राउंड है वो भी सिविल सोसाइटी है, यानी कि जो दुश्मन है वो भी सिविल सोसाइटी के आड़ में ऑपरेट करता है, अपने आप को एक इनविजिबल इनिमी के रूप में प्रकट करता है। उसका कोई लैंड फ्रंटियर नहीं है, उसकी कोई स्पेस कंट्रोल डोमिनेशन नहीं है, और उसी समाज की आपको रक्षा भी करनी है और उसी समाज से उनको ढूंढ के भी निकालना है। और सिविल सोसाइटी इसलिए एक बहुत ही गंभीर एक वो बन जाता है कि सिविल सोसाइटी में फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में, चाहे वो माओइज्म हो, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म हो, रिलीजियस जिहाद हो, इन सबके अंदर में समाज को, सिविल सोसाइटी को कैसे हैंडल किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। अब एक और समस्या है आंतरिक सुरक्षा की, वो है कि समस्या और समाधान दोनों आपस में बहुत इंटरट्वाइंड है, क्योंकि उनके अंदर में जो समस्या है समाधान उसी में नहीं था, और कभी कभी समाधान ही समस्या का कारण होता है। इसमें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट है लिबर्टी एंड फ्रीडम टू पीपल एंड सुप्रीम सॉवरेन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, साधारण आदमी को स्वतंत्रता दी जाए, उसको जो मर्जी, जो उसको बोलने का अधिकार हो, उसको घूमने का अधिकार हो, जाने का अधिकार हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो, और इसी अधिकार का दुरुपयोग करके समाज के अंदर सबवर्जन भी होता है, सबोटेज भी होता है, इन्हीं लिबर्टीज का वो करके वहां पर उनको उन जगह पर एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है जहां उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट में टकराव, कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट में हमें कुछ चीजें करनी चाहिए लेकिन यदि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके पक्ष में नहीं है तो वो निर्णय नहीं लिए जाते, उन नीतियों पर नहीं चला जाता। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में टकराव, क्या आप सोचते हैं सोशल जस्टिस किया जाए, हर एक को बढ़ाया जाए, ये बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना सुरक्षा नहीं होती, लेकिन अगर आप नेशनली कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं जिसके लिए आप मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम वो कर सके तो इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है, इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है तो फॉल्ट लाइंस क्रिएट होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज की इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती है। और सबसे बड़ा कारण जो उसके अंदर में पैदा होता है कि आप अपने इनिमी को परिभाषित करने में या तो कर नहीं सकते और या करने में संकोच करते हैं, और कोई भी युद्ध जिसमें इनिमी को परिभाषित नहीं किया जा सकता वो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता। यू कैन नेवर विन ए वॉर अगेंस्ट एन इनिमी होम यू कैन नॉट डिफाइन, और क्योंकि आप उसको पॉलिटिकल रीजन से डिफाइन नहीं कर पाते और भी कई कारणों से डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए यह वॉरफेयर हमेशा एक नेबुलस वॉरफेयर रहता है। इसकी एक और विशेषता, जो नई विशेषता है वो ये है कि जो नॉन प्लेइंग एक्टर्स हैं उन्होंने अपना एक नया स्थान ग्रहण कर लिया है।
जैसे मीडिया, मीडिया चीजों को इस रूप में प्रकट करती है जैसे मार्गरेट थैचर ने कहा था कि मैं टेररिज्म को समाप्त कर दूं अगर मीडिया नहीं होता। और कई टेररिस्ट लीडर्स ने यह कहा है कि ज्यादातर टेररिस्ट एक्शन जो होते हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते, वो केवल मीडिया की पब्लिसिटी को गेन करने के लिए होते हैं, क्योंकि उनका टारगेट है सिविल सोसाइटी में दहशत पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा असुरक्षा की भावना पैदा करना। उनके टारगेट्स वो नहीं है जो मर गए, उनके टारगेट्स वो हैं जिन्होंने मरहुओं को देखने के लिए जिंदा हैं। यदि उनके अंदर दहशत, उनके अंदर आतंक पैदा करना है, इसके लिए मीडिया सबसे बड़ा एक जरिया है। उसके बाद जो एनजीओज है, थिंक टैंक्स हैं, वो एक किस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, और कई जो विदेशी और जो हमारी विपरीत शक्तियां होती हैं वो जानबूझकर इनको पैदा करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2001 से पहले इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसीज हिंदुस्तान के बारे में हर साल रिपोर्ट लिखती थी कि कश्मीर में ये कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में ये हो गया, जहां भी उनको मिलता था। लेकिन 2001 के बाद जब अमेरिका को सब जगह ऐसी नीतियों को अपनाना पड़ा कि जब वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर कामयाब नहीं रह सका, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच वगैरह की रिपोर्ट बंद हो गई तो बहुत माइल्ड हो गई, वरना वो ग्वाटेमाला बे तो कैसे जस्टिफाई करते, वो इलीगल डिटेंशन और लोगों को पिकअप करके या एरियल बॉम्बिंग के द्वारा जो साधारण लोग हैं जो उसको कैसे जस्टिफाई करते। अब इनका प्रतिकार कैसे किया जाए, इन एनजीओस को, इन थिंक टैंक्स को, जो एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो राष्ट्र को कमजोर बनाने के लिए एक लार्जर गेम प्लान के पार्ट हैं, वहां पर वो क्या कर सकते हैं। और कैपेबिलिटी एक्विजिशन के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां पर सभी लोग विशेषज्ञ हैं, जानते हैं कि आज जो शक्तियां इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती हैं उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मोबिलिटी, फाइनेंशियल मसल, इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल बेसिस और आपस के कोलोबरेटिव लिंकेजेस इतने अधिक बढ़ गए हैं कि वो एक गंभीर समस्या हमारे सामने पैदा करते हैं। तो अगर हम अपनी भारत को यह देखें, इन चीजों को देखते हुए, कि किस आधार पर हम कहेंगे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन गंभीर है या गंभीर नहीं है। अगर आप केवल घटनाओं पे या उसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंस के आधार पर बोलेंगे, उसके भौगोलिक विस्तार के आधार पर बोलेंगे, तो शायद हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें यदि इसका एक अकाउंटिंग करनी है, इसकी एक ब्रॉडशीट बनानी है, तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगी हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके इंटेंशंस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, और उनके सपोर्ट बेस, कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल सपोर्ट और उनकी आइडियोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी। अगर हम उस रूप में उसको देखें तो हमें लगेगा कि कई तरह की ऐसी शक्तियां देश में काम कर रही हैं जिनका हो सकता है कोई विशेष घटना से संबंध नहीं हो, लेकिन एक दूरगामी उसके अंदर में वो राष्ट्र की सुरक्षा को लिए एक बहुत गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। दूसरा है कि हमारी रिसोर्स कैपेबिलिटी, हमारा रिस्पांस कैपेबिलिटी, हमारे उसका जवाब देने की क्षमता में कितना अधिक विस्तार आया है, कितना अधिक बढ़ा है। न्यूमेरिकल रिस्पांस सबसे पुअर रिस्पांस है, कि अगर आपने कहा कि 10 बटालियन सीआरपी की और रेज कर देते हैं, हर स्टेट के अंदर में पुलिस की फोर्स बढ़ा देते हैं, इससे एक लिमिटेड उसके लिए शायद आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट मिलती है, लेकिन स्टेट की रियल कैपेबिलिटी टू फाइट द टेरर, टू फाइट एक्सट्रीमिज्म, टू फाइट डिसरप्टिव फोर्सेस, टू फाइट टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन्स नहीं हो पाती। लेकिन इन सब चीजों से जरूरी चीज होती है राष्ट्रीय मनोबल, नेशनल विल। और दुश्मन जब परोक्ष युद्ध करता है, कोवर्ट एक्शन करता है या प्रॉक्सी वार करता है, तो वो नेशन के विल को समाप्त करना चाहता है, और नेशन के विल को समाप्त करने में दुश्मन का हाथ हमारे अपने लोग भी बटाते हैं, जबकि वो राष्ट्र को ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक हो रहा है, हम लोग सक्षम है, हम जवाब देंगे और कुछ करते नहीं है।
जब दुश्मन को यह लगता है कि हमारी रिस्पांस कैपेबिलिटी नहीं है, तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है, और जितना उसके मनोबल में वृद्धि होती है उतने ही अधिक हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय विल को बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, और राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाने के लिए एक नेशनल कंसेंसस, एक राष्ट्रीय सहमति उन विषयों पर जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, यह बनानी आवश्यकता होती है। इस दोनों बातों पर, एक इस बात पर कि खतरा क्या है और कितना गंभीर है, इसका प्रारूप क्या है, और दूसरी बात कि इसका समाधान क्या है, ताकि जिस भी समाधान को हम लागू करें राष्ट्र के हित के लिए, जिन पॉलिसीज को, उसके ऊपर जनता का और सभी राजनीतिक दलों का और सभी पक्षों का पूर्ण रूप से उनका वो मिले। तो आज आवश्यकता है राष्ट्र के अंदर में एक इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रेटजी एंड टैक्टिकल कैपेसिटी बिल्ड करने का। अगर स्ट्रेटजी हो और टैक्टिकल कैपेसिटी नहीं हो तो फिर ये एक शोर होता है हार से पहले, कहते हैं स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक्स इज ओनली ए नॉइज बिफोर द डिफीट, जस्ट एज टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी इज द शॉर्टेस्ट वे टू सुसाइड इन अ डिफीटेड प्लेटफॉर्म। इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज एंड टैक्टिकल कैपेबिलिटीज दोनों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए जो फिनिश का प्रयास है ये बहुत ही इसकी प्रशंसनीय है। अब स्ट्रेटजी के बनाने के लिए जो आप लोग यहां पर हैं, आप लोग एक बड़ा भारी योगदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र की एक बड़ी शक्ति है कि जो भी लोग सत्ता में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि ऐसी नीतियां बने और वो ऐसी नीतियां हो जिन पर कि जनता को भरोसा हो और जनता का उन्हें जनता का सपोर्ट मिले। यदि आप उन नीतियों को एक वोकल तरीके से अपोज करते हैं जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है, और जो राष्ट्रीय हित में है उनको सपोर्ट करें और एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं, तो ये एक बड़ी भारी सरकार के ऊपर दबाव डालने का एक बड़ा भारी जरिया बन सकता है। एक ये भी आवश्यक है कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, जिनकी राष्ट्रीय सोच है, उनमें कन्वर्जेंस कैसे लाया जाए, वो एक प्लेटफॉर्म पर, एक आवाज से, एक नेटवर्क से, चाहे संस्थाएं अलग अलग हों। और इसके लिए ये बड़ा आवश्यक है कि चाहे जो भी लोग हों, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से और जिस भी रूप में राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको पूर्ण सहयोग दें। चाहे अगर मीडिया का हुआ है तो मैंने देखा है इंटरनेट के ऊपर में कई लोग हाईली नेशनलिस्ट चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जो अपने व्यूज को लिखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, विजिट करते हैं? अगर उस पर 1 मिलियन हिट होनी शुरू होती है तो वो ऑटोमेटिकली एक साइबर स्पेस के अंदर में वो जगह ग्रहण कर लेती है जहां पर दुनिया के थिंक टैंक, थिंकर्स, गवर्नमेंट्स उसका वो लेना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे थिंक टैंक्स और हमारे उसके ऊपर में शायद लोगों में भी इतनी जागरूकता नहीं है कि किस प्रकार हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आखिरी कहूंगा, इसके बाद बंद करता हूं, कि एक नॉलेज डोमिनेंस का होना बहुत आवश्यक है। नॉलेज डोमिनेंस, आज से 2500 पहले चीन के सुनियत सेन ने कहा था कि यदि आप अपने दुश्मन को पूर्ण रूप से जानते हैं तो आप हर लड़ी भी, जितनी भी लड़ाइयां आप लड़ेंगे उनमें से आधों को अवश्य जीतेंगे, और अगर आप स्वयं को पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से पहचानते हैं तो बाकी आधी भी आप जीतेंगे। हम ना अपने दुश्मन को सही रूप से पहचानते हैं ना इसका प्रयास करते हैं। स्लोगन्स तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर इतने लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर हम इनसे पूछेंगे कितने लोग इसमें चाइनीज जानते हैं, चाइनीज तो छोड़ा, अगर जो पाकिस्तान के अंदर में जो भाषा है उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कि उर्दू को स्टडी किया, वहां के न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, वो लोग कितनी गहराई से हमें पढ़ते हैं, इसका आपको अनुभव यह होगा कि चाइना के अंदर में 280 से अधिक, जो कि हम लोगों ने फिगर किए हैं, ऐसे स्कॉलर्स हैं जो संस्कृत के स्कॉलर्स, जिन्होंने कि संस्कृत और इंडियन सिविलाइजेशनल उसको पढ़ने बहुत गहराई से मनन किया। अभी यहां पर एक वो हुई थी चाइना के साथ में, एक उनका कोई स्कॉलर्स आए थे और हम लोगों की कोई मीटिंग हुई थी, तो हमें बड़ा ताज्जुब था कि वो उन चीजों से कोट कर रहे थे, वो वेद और उपनिषदों से कोट कर रहे थे जो हम नहीं कर पा रहे थे।
हमारा विजन उनके बारे में एक सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री तक ही सीमित रह जाता है। कितनी गहराई से हम उनके साइकोलॉजी को, उनके मनोविज्ञान को, उनकी उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, उनके पॉसिबल रिस्पॉन्सेस को परिकल्पना कर सकते हैं, ये इस बात पर होता है कि हमारा उनके बारे में ज्ञान कितना अधिक है। और खास तौर से इसके विषय में मैं यंगर जनरेशन को यह कहूंगा, उनको बहुत अधिक इस पर ध्यान देना चाहिए और एक डोमेन स्पेशलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।